हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती दिख रही है। वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ द्वारा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं खबर ये भी है कि अगले 48 घंटे में हसीना यूरोप जा सकती है। हालांकि यूरोप में वो किस देश में जाएंगी इसको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं सामने आई है, परंतु भारत सरकार भी उन्हें सुरक्षित पनाह मुहैया करने के लिए तैयार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज से मुक्ति को लेकर सरकार पर दबाव बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पेरिस ओलंपिक में अब भारत की आशा भारोत्तोलक से हो रही है, जिसमें भारत की ओर से आज एक बार फिर मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। वहीं जेवलिन में नीरज चोपड़ा भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आज सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 18,110 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए जिले में 25 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, साथ ही इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां आज CM ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और दिगंबर अखाड़ा में रामचंद्र परमहंस दास की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार आज से केदारनाथ धाम की हेली सेवा शुरू करने जा रही है, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रियों को 25% की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज मंदसौर के दौरे पर रहेंगे, यहां वे कई स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, जहां आगामी लीग के नेता के होटल में 24 लोगों को मार दिया गया। बिहार में शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जहां पटना से लेकर वैशाली तक हुई छापेमारी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा है कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश एक विचित्र और निश्चितता से गुजर रहा है, हिंसा और अराजकता में फंसा हुआ है। आलोक कुमार ने आगे कहा कि शेख हसीना सरकार के त्याग पत्र और उनके देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। संकट की इस घड़ी में भारत बांग्लादेश के समस्त समाज के साथ एक मित्र के नाते मजबूती के साथ खड़ा है। पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने कहा है कि राजमार्ग पटियाला नाभा मलेरकोटला पर स्थित 2 टोल प्लाजा को 5 अगस्त से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। अब तक राज्य के 18 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिस कारण यात्रियों को रोजाना 61.67 लाख रुपए की बचत हो रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट नीरज चोपड़ा ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसके बाद पानीपत में उनके गाँव में खुशी का माहौल है। उनके पिता ने कहा है कि वो मेहनत कर रहा है और गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा। उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूरी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम
संस्कार के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि की जाएगी। झारखंड में पुलिस अब पब्लिक प्लेस पर डायल 112 से संबंधित QR कोड लगाएगी। इस संबंध में DGP अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में डायल 112 के प्रचार प्रसार पर जोर दिया है, ताकि आम जनता के बीच रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। ग्वालियर पुलिस ने एक जालसाज कथावाचक को गिरफ्तार किया। दरअसल कथावाचक जालसाज खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का PA बताकर मध्य प्रदेश के DGP पर 2 पुलिस निरीक्षकों के तबादले का दबाव बना रहा था। अब उससे पूछताछ हो रही है। शिमला के शिवा केसवन को मिला राष्ट्रपति भवन से न्योता। एट होम कार्यक्रम में होंगे शामिल। पेरिस ओलंपिक में निभा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंत घर में पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी कर दी। इसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों को घेर लिया है। असम पुलिस और अरुणाचल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पश्चिम बंगाल से 8 दिन पहले अगवा किए गए 3 लोगों को बचा लिया गया है। जहां अपराधियों के एक गिरोह द्वारा तीनों को काम के लालच देकर असम बुलाकर उसे कैद कर लिया गया था। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को हाईकोर्ट से अच्छी खबर मिली। दरअसल हाईकोर्ट ने माझी लड़की बहन योजना के तहत दाखिल याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह याचिका महिलाओं के लिए लाभकारी है। राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार से ही भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिले में कई जगहों पर पानी का जमाव हो गया है। वहीं पानी रेलवे ट्रैक पर भी जमा होने के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। महुआ जनपद के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जनपद महुआ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों को लेकर बैठक की गई, जहां मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह, अपर जिलाधिकारी मोइनुल इस्लाम, जिला विकास अधिकारी महुआ आदि मौजूद रहे। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।